नवल ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। नमस्कार। मगन मंदिर द्वारा आयोजित सुर और साज की इस अनोखी महफिल में मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। आज हम पंडित श्यामल लाहिड़ी और विदुषी मंदिरा लाहिड़ी से देश के अमर गायक अप्रतिम गायक पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी के कुछ विशेष बंदिशों को सुनेंगे और साथ ही हम सबके बहुत ही जाने माने और प्रिय युवा सितार वादक पंडित प्रतीक चौधरी का सितार वादन भी। तबले पर इन दोनों कलाकारों के साथ उस्ताद अख्तर हसन और पंडित शुभ महाराज रहेंगे। लेकिन हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटी सी औपचारिकता दीप प्रज्वलन का। हमारे बीच देश के प्रतिष्ठित गायक पंडित भोलानाथ मिश्र और विदुषी मिताली चक्रवर्ती हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही पंडित श्यामल लाहिड़ी और विदुषी मंदिरा लाहिड़ी जो कोलकाता से हमारे लिए विशेष रूप से आए हैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। और फिर हम सब के चहेते सितार वादक पंडित प्रतीक चौधरी को भी दीप प्रज्वलन के लिए। अख्तर भाई आप भी आ जाए। बिना तबले के गायन कैसा? मैं विदुषी रीता गांगुली जी को भी अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आ जाएं। विदुषी रीता गांगुली जी देश के बहुत ही प्रतिष्ठित संगीतकार पंडित मोहिंदर सरीन जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम उन्हें मंच पर नहीं आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं पंडित मोहिंदर सरीन जी। इस कार्यक्रम का आयोजन मगन मंदिर द्वारा किया जा रहा है। मगन मंदिर कोलकाता की एक संस्था है। थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी आप लोगों को दे दूं। पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी मगन उपनाम से अपनी रचनाएं करते थे। मगन उनका लिखने का नाम था और इसीलिए मगन मंदिर की स्थापना उनके शिष्यों द्वारा उनके पुत्र और पुत्र वधू द्वारा किया गया है।
उद्देश्य है उनकी रचनाओं को दूर दूर तक फैलाना। पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी संगीत के पुरोधा थे। संगीत की शिक्षा उन्होंने खलीफा खुर्शीद अली से, पंडित दिलीप चंद्रवेदी, पंडित एहसन रतन जानकर और उस्ताद बंदू खान साहब से प्राप्त की। ठुमरी अंग की बारीकियों को उन्होंने प्रख्यात कथक नर्तक पंडित शंभू महाराज जी से सीखा था। आगरा घराने की जमीन पर उन्होंने अपनी कल्पनाओं और सर्जनाओं का नया फूल खिलाया था, नया उपवन तैयार किया था, इसलिए उनकी गायकी एक अलग ही दिशा में चल पड़ी। सौंदर्य प्रधान गायकी थी उनकी, और क्या ख्याल, क्या ठुमरी, क्या राग प्रधान, क्या भजन, हर दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा और सृजनात्मकता का परिचय दिया। कुसुमी कल्याण, नंदकोश, श्याम कोश, प्रभाती तोड़ी, जोग माया और ललिता जैसे नवीन रागों का सृजन भी उन्होंने किया। बरसात का मौसम है, बारिश के दिन हैं, और मुझे लग रहा है कि आज लाहिड़ी दंपत्ति, श्यामल जी, पंडित श्यामल लाहिड़ी और विदुषी मंदिरा लाहिड़ी, वर्षा पर ही आधारित कुछ रचनाएं प्रस्तुत करना चाहेंगे। मैं उन दोनों को ही बहुत आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं, पंडित श्यामल लाहिड़ी जी और विदुषी मंदिरा लाहिड़ी जी। तबले पर उस्ताद अख्तर हसन हैं, हम सब के जाने माने तबला वादक, फरुखाबाद घराने के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, और उनका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही देश के प्रख्यात सितार वादक पद्मभूषण पंडित देबू चौधरी जी सभागार में उपस्थित हो रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। पंडित श्यामा लाहिड़ी और विदुषी मंदिरा लाहिड़ी के साथ आज उनके दो शिष्य भी मंच पर दिखेंगे आपको, अनिर्वाण और दीप्तम। हम श्यामल जी और मंदिरा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोग आमतौर पर कार्यक्रम सुनने के लिए जाते हैं, सभागारों में जाते हैं, लेकिन देखिए यह दंपत्ति अपने पूर्वजों की बंदिशों को, अपने गुरुओं की बंदिशों को सुनाने के लिए कोलकाता से यहाँ तक आए हैं। हम दिल्लीवासी उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। प्रकार सुनने जा रहे हैं गौड़ मल्हार, फिर मीराबाई का मल्हार, और मैं ये विशेष रूप से बता दूं कि बंदिशें, रचनाएं जो आप सुनेंगे सब पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी की हैं, और फिर अलग अलग बंदिशें वो बताती जाएंगे, मंदिरा जी बताती जाएंगे। तो हमारे बीच मंच पे चार चांद नहीं, पांच चांद लगाने के लिए पांच कलाकार उपस्थित हैं, पंडित श्यामल लाहिड़ी, विदुषी मंदिरा लाहिड़ी, उस्ताद अख्तर हसन और अनिर्वाण तथा तीप्तम। तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत, और मंच अब इनके हवाले। विजय शंकर जी ने जो बोला, नमस्कार, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कोई भूल चुकी हो जाए क्षमा कर देना। और यहाँ हम लोग सुनाने आ रहे हैं क्या बाबा का ही सभी बंदिशें, और इसी टाइम दिस सीजन मल्हार का ही है, बरसात का, इसीलिए हम लोग कुछ मल्हार का बंदिशें हम लोग सुनाएंगे। पहले गौर मल्हार, मेरा बाइक में अंधार,
अंतिम में सुर मलार और दादरा पेश करेंगे। सभी रचनाएं और अच्छा अच्छा मैंने कानों को तो ठीक है। गौर मल्हार से शुरू करें। रे पिया कब मोर
अरे पमा पद निदा पमा पम गम सर सदा पसा रे पमा पमा पद नि सर सदा पमा पम गम रे Ah, 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 ah.
मीरा बाई की बल्लार।
चमके दिन तरुवर हरिया
समय भी बहुत कम है और बाद में एक शिल्पी है, इसी कारण उनका जो खूबी है बंदिश, वही है मगन का रचनाएं हम लोग सुना रहे हैं। उद्देश्य है उनका बंदिश सुनाना, और फिर हम लोगों का बाद में प्रतीक जी भी हैं, समय का भी पाबंदी है। एक देश राग में दादरा रीता जी बैठे हुए हैं। But
परदेसी कहूँ जारी ऐसी बरसात में परदेसी कहूँ जा जी है, आप लोग सुनिए उनको। एक और वैरायटी सुना दूं? बड़ा ख्याल, असल में क्या टाइम? अच्छा अच्छा ना, रामदासी मल्हार का।
ना हमरा मीरा भाई के मल्लार गायलम सुर मल्लार बरसे सगन घन सावन बरसे अभी आप पंडित श्यामा लाहिड़ी जी और विदुषी मंदिरा लाहिड़ी जी का
गायन सुन रहे थे। ये एक हाजिरी थी, एक झलक था पंडित चिन्मय लहरी जी की रचनाओं का। गायन तो खैर वो अलग चीज़ होती है, जैसा कि विदुषी रीता गांगुली जी कह रही थी, और राग को एस्टेब्लिश करना, ये सारी चीज़ें।